हैं गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक्चुअली मेरा सेकंड ब्लॉग है और भाई कल ही मैंने ये चैनल बनाया और एक फर्स्ट ब्लॉग इस पर डाल चुका हूँ कल, मतलब कल रात को 2 बजे, एंड आज मैं अपना सेकंड ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो भाई प्लानिंग काफ़ी दिन से चल रही थी, मतलब कि मैं एक प्रॉपर चैनल बनाऊँगा अपना, क्योंकि मेरे पे वीकेंड में 2 दिन होते हैं और उस पर मैं अपना मतलब यहाँ की जो लिविंग स्टाइल है और लाइफ स्टाइल है, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, क्या क्या चीज़ें वो सब प्लान किया। बट उससे पहले ना भाई अपने साथ में ये सीन हो गया, मतलब तो भाई अभी टाइम हो रहा है 8:05 और बाहर देख के ना भाई लग नहीं रहा है कि मतलब 8 बज गए, तो वेदर काफ़ी सही हो रखा है। थोड़ा सा बाहर चलते हैं क्योंकि यार इसके चक्कर में ना मैं 2 दिन से मतलब घर के अंदर ही हूँ। ये सीन हो गया था मेरे साथ में भाई मंडे को दिन में 2 बजे जॉब पर जा रहा था मैं, इधर बाहर सीढ़ी पर स्लिप हो गया था, अभी दिखाता हूँ। और उसके बाद मैं जॉब पर गया और 10 बजे जब वापस आया ना भाई वहाँ से, तब जाके थोड़ा थोड़ा दर्द चालू हुआ। फिर रात में मतलब 11-12 बजे के बाद ना भाई बहुत तेज़ दर्द हुआ, उसके बाद सुबह 7 बजे उठ के मैं गया हॉस्पिटल, तो एक्सरे वगैरह की वहाँ पे, तो फिर पता चला भाई फ्रैक्चर हो रखा आगे रिस्ट पे, मतलब कलाई पे। तो यार अभी पता नहीं है कितने दिन लगेंगे इसमें, मुझे नहीं लग रहा ये 14-15 डेज से पहले मतलब खुल पाएगा। और 14 डेज का मतलब है ना, 14 डेज में हमारी भाई पे आ जाती है यहाँ पर, मतलब एक सैलरी हमारी 14 डेज में आती है यहाँ पर। तो सारा सीन मतलब बेकार हो गया, सारे जो प्लान थे ना भाई धरे के धरे रह गए। तो अभी थोड़ा बाहर चलते हैं, मूड सही करते हैं भाई, क्योंकि 2 दिन से मैं अंदर हूँ और पूरा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, अब समझ नहीं आ रहा करना क्या है और आवाज़ मेरी पूरी बैठी बैठी सी हो गई है। तो फटाफट से बाहर चलते हैं, थोड़ा बाहर की हवा लेते हैं, क्या पता भाई थोड़ा मूड सही हो जाए बाहर जाके। ये अपना रूम है और यहाँ से भाई मैं बाहर आता हूँ और ये यहाँ से मतलब नीचे जाने के लिए देख रहे हो, तो ये दरवाज़ा है और यहाँ से मैं जा रहा था, तो ये वाली जो सीढ़ी है ना गाइस, मेरे को अभी भी डर लग रहा है इसमें पैर रखने में। ये तो यहाँ पे मेरा ऐसा आधा पैर बाहर चला गया, मतलब बैलेंस थोड़ा ख़राब हो गया था, तो इसलिए वो तो अच्छा हुआ भाई आगे की तरफ नहीं हुआ, पीछे की तरफ। और मेरा जो हाथ था ना ये सीढ़ी ये वाले पैर फिसला मेरा, ये यहाँ गया मतलब। सो गाइस अभी समर का टाइम आ चुका है और भाई समर के टाइम में ना वाकई में कनाडा एकदम ब्यूटीफुल हो जाता है, ये देख रहे हो पूरा मतलब ग्रीनरी हो गया, ये सारी धूप ना भाई विंटर में आप देखते हैं ना पूरा मतलब सूख जाता है और पूरी मतलब बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, तो भाई सूखेगा ही ना फिर। और ये जो सामने देख रहे हो आप बिल्डिंग है भाई, नीचे ये पूरा डाउनटाउन है और ये है अपना एकोमोडेशन और यहाँ से मैं जॉब पे जाता हूँ नीचे की साइड में, ये इस साइड से। तो आज क्या है ना, इस साइड में चलते हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ देखते हैं इस साइड में क्या है। यार बहुत टाइम से मैं सोच रहा था जाने के, लेकिन टाइम मिलता नहीं था, मतलब ना इधर कभी जाने का मौका मिला नहीं है भाई। ये जो भी घर देख रहे हो ना सारे, ये भाई सब अपार्टमेंट है इस साइड, पल्ली साइड सारे। और ये है आपका 23 एवेन्यू। भाई अभी मैंने कुछ मतलब ऐसा सेटअप कर रखा है, क्योंकि भाई ये ऐसा नीचे हाथ रख के ना दुख रहा है वो यार, मतलब ज़्यादा देर तक नीचे लटका के रख नहीं पा रहा हूँ, तो ये मैंने मफलर पड़ा हुआ था मेरे पास, उसको बांध दिया ऐसे मतलब। सुबह ये अभी थोड़ा सा ऊपर आ चुके हम, ये है 24 एवेन्यू। भाई वेदर में अभी काफ़ी सही हो गया और ये है 31 एवेन्यू, जॉलिट एवेन्यू लिखा हुआ है इस पर आगे, 30 के बाद 31 आना चाहिए था, बट अभी वेदर काफ़ी सही हो रखा है। और इस साइड में ये पार्क है सामने, मतलब वहाँ पे खेल रहे बच्चे वगैरह। ये 32 एवेन्यू एंड इस साइड से राइट चलते हैं भाई, इधर राइट में सामने पार्क है, तो यहाँ पे गेम वगैरह चल रहे हैं, तो चलो देखते हैं थोड़ा सा बैठ के वहाँ पे, हम तो भाई खेल नहीं सकते। ये सो इस साइड भी ये फुटबॉल ग्राउंड है, ये वाली साइड, एंड उधर वॉलीबॉल के लिए ऊपर अलग से मतलब कोर्ट बना रखे हैं। सो भाई ये चल रहा है फुटबॉल, देखो भाई मैं उधर से आया था पल्ली साइड से और इसके पीछे से, तो यहाँ पे ये डांस एकेडमी है शायद, यहाँ पे डांस वगैरह सिखाते हैं। और ये पीछे भी यहाँ पे टेनिस का कोर्ट बना हुआ है और ये वॉलीबॉल तो चल ही रहा है इधर। और अब यहाँ से चलते हैं वापस। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 9:15, 1 घंटा हो गया भाई पता नहीं चला मुझे, और मैं आ चुका हूँ अपनी बिल्डिंग के बैक साइड में। और बाकी यार बाहर आके ना काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, नहीं तो भाई 2 दिन से मेरा इतना मूड ख़राब था, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, तो अभी थोड़ा बाहर निकला हूँ एंड थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूँ। तो अभी तो अगर आप इस टाइप की यार वीडियोस देखना चाहते हो तो मैं मतलब डेली एक वीडियो ऐसे बना सकता हूँ कि अपना जो आसपास का लोकेशन है
वो सारी आपको दिखा सकता हूँ। तो आज हम लोग गए थे 33 एवेन्यू तक, फिर कल चलेंगे उससे आगे, बट उसके लिए आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए। आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वीडियोज़ को शेयर करना है गाइज, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपने कमेंट करने। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।